राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रिया, प्रिया बितखाना में आपका स्वागत है। हर रोज़ की तरह मैं लाई हूँ कुछ खास। तो आज हम कुछ अलग तरीके के भटूरे बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो देखिए पूरा वीडियो लास्ट तक, क्योंकि भटूरे हमने किस तरीके से अलग तरीके से बनाए हैं। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिए हैं काबुली चना, और इनको हमने रात में ही भिगो के रख दिए थे पानी डाल के, तो ये सुबह तक फूल गए हैं। और इनको अब हम उबाल लेंगे, थोड़ा बहुत देख लें खराब वराब ना हो कहीं। इनको हम उबलने रखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक कुकर लिया है, इसमें हम इसको धुल के डालेंगे, ऐसे ही नहीं डालना है क्योंकि पानी में फूल जाते हैं तो पानी पीला पीला सा हो जाता है। और इसमें हम डालेंगे पानी, और एक तेज पत्ता डालेंगे, और थोड़ी सी हम यहाँ पर दालचीनी डालेंगे, और यहाँ पर हम टी बैग डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। वैसे अगर आपके पास टी बैग नहीं है तो आप चाय की पत्ती ले लें, और छोटा सा कोई कपड़ा ले लें, उसमें ये सारी चीज़ें डाल के और चाय की पत्ती को बांध के इसमें डाल दें, पूरा यही टेस्ट आता है। और इसको अब हम 2 से 3 सीटी तक पकाएंगे, और इसको हम 2 से 3 सीटी तक आने तक वेट करेंगे ताकि ये अच्छे से उबल जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1/2 किलो तक मैदा ली है, और इसमें हमने रवा वगैरह कुछ नहीं डाला है। तो इसमें अब हम डालेंगे सबसे पहले दही। दही हमने 2 बड़े जो कलछी टाइप के होते हैं ना, चमचे जो मीडियम साइज़ के, वो लिए हैं, इनको भर के डाला है। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी हम 1/2 चम्मच से थोड़ा कम ही डालेंगे, और थोड़ा सा हम यहाँ पर नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और यहाँ पर हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे, चीनी हमने पहले ही पीस ली थी। इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे पूरे में, और मोहन के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर ऑयल डालेंगे, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे पहले, फिर हम इसको पानी से आटा को गूंथेंगे। और ये देखिए बिना पानी के इसको पहले इस तरीके से पूरे में अच्छे से मोहन लग जाए, चारों तरफ घुमा के ले लेंगे, और फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर आटा हम बिना सूजी के लगाएंगे। तो जैसे बहुत से लोग सूजी वगैरह डाल के आटा लगाते हैं, तो हम अब की बार ये देख रहे हैं कि सूजी से ही फूलते हैं या बिना सूजी के भी फूल सकते हैं, तो ये ट्राई कर रहे हैं। तो अगर अच्छे बने तो आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी लगा के हम पहले इसको सख्त आटे की तरह लगा लेंगे, और ये देखिए बिल्कुल सख्त आटा लगा लिया है यहाँ पर। और इसको रखेंगे ढक के, इसको ज़रा साइड पर रखेंगे इसको, ये इसको ढक देंगे 1/2 घंटे तक रखेंगे। तो यहाँ पर हमने टमाटर की प्यूरी ली है, और 2 टमाटर ले लिए हैं। 2 टमाटर हमने इसलिए लिए हैं कि इनको हम काटेंगे, उसी में सारे मसाले मिलाएंगे, और टमाटर की प्यूरी हम ऐसे ही डालेंगे, इसमें कोई भी मसाले नहीं डालने हैं। तो ये मेरे पास पहले से ही थी, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप टमाटर भी डाल सकते हैं। तो टमाटर को हम फटाफट से काट लेंगे। तो टमाटर यहाँ पर हमने काट लिए हैं, इसमें हम डालेंगे 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी हम यहाँ पर अदरक डालेंगे, और अब इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे 2 चम्मच तक, थोड़ा सा यहाँ पर हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच, और थोड़ा सा हम यहाँ पर छोले मसाला डालेंगे, थोड़ा सा जीरा भी डाल देंगे, और अब हम इसको पीस देंगे। ये देखिए बिल्कुल बारीक पीस गई है, और अब हम छोलों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर चने उबल चुके हैं, इनको हम देख लेंगे। ये देखिए
गरम बहुत हैं, अच्छी तरीके से उबल चुके हैं और इनको हम निकाल लेंगे। आप एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छी बनती है टी बैग डालने से। टी बैग नहीं है तो भी हमने आपको बता दिया है कैसे चाय पत्ती डालेंगे। और इनको हम पानी से निकाल लेंगे। छोले को हमने पानी से निकाल लिया है, तो चलिए अब इसको हम छौंकते हैं। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले कड़वा तेल सरसों का, मस्टर्ड ऑयल है, यहाँ हमने 3 से 4 चम्मच तक लिया है। सरसों का तेल से सब्जी थोड़ी अच्छी बनती है इसलिए। और इसको हम गरम कर लेंगे अच्छे से। देखो छोड़, तो यहाँ पर ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है। इसमें हम डालेंगे 2 तेज़पत्ता, थोड़ी सी हम यहाँ पर काली मिर्च डालेंगे 6 से 7, थोड़ी सी हम यहाँ पर हींग डालेंगे। बहुत ही ईजी रेसिपी बता रहे हैं फटाफट वाली। और थोड़ी सी हम यहाँ पर करी पत्ता डालेंगे। और अब हम यहाँ पर जो टमाटर मसाले वाली प्यूरी पीसी थी इसको डालेंगे। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर रखें, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर ना करें। और इसको अब हम थोड़ा सा गैस को हाई फ्लेम करके चला लेंगे। और यहाँ पर देखिए टमाटर जो हैं पकने लग गए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे प्यूरी। और अब इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे। अच्छी तरीके से टमाटर की प्यूरी पक जाए तब हमें छोले डालने हैं। इसको अब पहले हम पका लेते हैं बढ़िया से। ये देखिए टमाटर कुछ कुछ पकने लग गया है। अभी हम इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे। चारों तरफ पूरा टमाटर टमाटर फैल रहा है तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा ढक देंगे। ये देखिए मसाले अच्छी तरीके से पक रहे हैं। ये देखिए सब बढ़िया सा बन गया है। थोड़ा सा हम इसको और पका लेंगे, थोड़ा ही मतलब 1 से 2 मिनट तक। फिर हम इसमें छोले डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे छोले। याद रखें छोला उबल जाए अच्छे से, बहुत ज़्यादा ना उबले कि वो बिल्कुल चलाते रहें कि वो फूट जाए। ज़्यादा वाला पक जाएगा ना तो फिर बढ़िया नहीं बनता है। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, थोड़ा सा और डाल देंगे क्योंकि छोले थोड़े ज़्यादा ही हैं। और अब इसको हम खोलने देंगे। और नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार। और इसको हम खोलने देंगे। बीच बीच में चलाते जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर अच्छे से खोल रहे हैं। और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ी सी। और इसको अच्छी तरीके से चलाने के बाद थोड़ी देर और पकाएंगे, फिर हम इस गैस को बंद करेंगे। और यहाँ पर छोले बनके तैयार हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। आप लोग सोच रहे होंगे प्याज वगैरह कुछ नहीं पड़ पा रहा है, इसका एक रीज़न ये है क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और घर पर प्याज बनता नहीं है। तो इस वजह से मेरी सारी रेसिपी बिना प्याज की ही रहेंगी जहाँ तक सावन भर, फिर उसके बाद प्याज की रेसिपी बराबर चलेगी।
क्योंकि सावन में हम लोग प्याज नहीं खाते हैं, घर में प्याज बनता नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ पर प्याज स्किप कर रहे हैं। वैसे कोई रीज़न नहीं है प्याज का, तो यही रीज़न है कि हम लोग सावन में प्याज नहीं खाते हैं, तो प्याज नहीं पड़ा है। आप लोग यहाँ प्याज लहसुन वगैरह इजीली डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर गैस को हम बंद करेंगे और इसको रखेंगे साइड में। और अब हम आटे को देख लेते हैं भटूरे के। तो यहाँ पर आटे को ले लिया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड और इसको हम थोड़ा सा गूंथ लेंगे आटे को। क्योंकि आधा घंटा रख के हो चुका है, अच्छी तरीके से इसको गूंथ लेंगे। और तब तक हम यहाँ पर कढ़ाई रख रहे हैं गैस पर, और कढ़ाई हमें थोड़ी गहरी ही रखनी है। यहाँ पर कढ़ाई हमने गहरी तली के लिए है, एकदम फ्लैट नहीं लिए है, क्योंकि फिर सेकते नहीं बनता है। तो इसमें हम डालेंगे रिफाइंड और इसको अच्छे से गर्म हो जाने देंगे, और इसको अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। और यहाँ पर आटा देखिए पूरी तरह से लग चुका है, एकदम चिकना आटा लगा है और टाइट है। ये नहीं है कि बिल्कुल सॉफ्ट हो या वैसा हो, बहुत टाइट भी नहीं है लेकिन टाइट है। तो अब हम इसकी लोई काट लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोई काट लेंगे सेम आकार की। इस बार हमने सूजी नहीं डाली है, तो आप लोग भी इस तरीके से एक बार बना के देखें, ट्राई करें। वैसे हर बार सूजी ही पड़ती है, सभी लोग डालते हैं, इस बार हमने सूजी नहीं डाली, हमने सोचा कुछ अलग करके देखें। थोड़ा सा यहाँ रिफाइंड लगाएंगे, इसको बेलेंगे। इसमें हमने सूखा परथन नहीं लगाया है, सूखा आटा, क्योंकि हमने रिफाइंड ही लगा के इसको बेला है। ये देखिए बेल लिया है, और अब हम दूसरा भी बेल लेते हैं फटाफट से। तो जब तक एक बेल गया है इसको सेक लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिफाइंड गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे भटूरा। और इसकी सेकने की ट्रिक ये है ना, इसको ऐसे इस तरीके से सारे भटूरे फूलेंगे, अगर आप ये ट्रिक अजमाएंगे तो। ऐसे ये देखिए कितना बढ़िया बना है ना, इसमें ना तो सूजी है ऐसा कुछ नहीं, देखो कितना बढ़िया बना है। इसको पलट लेंगे, ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा फूला फूला बना है, वाकई में बहुत अच्छा बना है। वैसे हम भी पहले सूजी डाल के ही बनाते थे, लेकिन हमने सोचा इस बार कुछ अलग ट्राई करें, आप लोग भी ट्राई करें। ये देखिए कितना अच्छा भटूरा बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके से हम दूसरा डालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा बढ़िया सा, ये देखो पूरा जो दिल्ली स्टाइल बनता है ना, दिल्ली में भटूरे कहते हैं, बहुत फेमस है। वैसे ही ऐसा नहीं है, लखनऊ हमारे में, लखनऊ में भी बहुत फेमस हैं कई जगह भटूरे। इसको चारों तरफ से सेक लेंगे बढ़िया सा। बस याद रखें तेल गरम होना चाहिए, जो भी आप घी तेल रिफाइंड जो भी डालें गरम होना चाहिए, बस ठंड बिल्कुल नॉर्मल ना होना चाहिए या कम गरम हो पाए ऐसा ना होना चाहिए। ये देखिए कितना बढ़िया भटूरा बन के तैयार हुआ है। वाकई में कभी कभी चीज़ें जब बहुत बढ़िया बन जाती हैं, हम उम्मीद भी नहीं किए थे इतनी अच्छी, क्योंकि सूजी नहीं पड़ी थी तो हम ये सोच रहे थे कि पता नहीं फूले फूले ना फूले। देखिए इसी तरीके से इसको भी पलट लेंगे। आप भी बिना सूजी के एक बार जरूर ट्राई करके देखें, बहुत ही टेस्टी बनेगा। देखिए कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। तो ये देखिए हमारे
छोले और ये फूले फूले भटूरे कितने बढ़िया बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। और कितना अच्छी हमने चीज़ ये बता दी है कि वैसे सूजी वगैरह पड़ती थी, इस बार हमने ये कुछ अलग सोचा कि सूजी ना डालें, भटूरा इसी तरीके से बनाएं, तो बहुत ही बढ़िया बन गए हैं। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें एक बार इसको, और उम्मीद करेंगे कि आपके श्योर फूलेंगे। ऐसा नहीं है, जो भी है हमने उसका अलग से कुछ भी नहीं किया है, सारी चीज़ें आपको हम दिखाते हुए ही बनाए हैं। तो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें एक बार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।